गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए पूरा सिलेबस का अध्ययन करने के पश्चात मैं चाहता हूं कि आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं आप, जिससे एक मिनिमम तैयारी आपकी हो जाए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और इनके हिसाब से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। तो हमारी जो ME 301 में 8 यूनिट हैं, तो इसको मैंने दो पार्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने कॉपी और पेन तैयार रखें, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊँ और आप लिखते जाएँ तो बेहतर होगा। तो आप अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए और कॉपी और पेन के हिसाब से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस REC के जो है, मेरे हिसाब से अब तक जो मैंने सालों से इसका अध्यापन कार्य कराया है, और मैं जनरली हर साल सिलेबस फिनिश होने के पश्चात मैं अपने स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी देता हूँ। तो आप लिखें, मेरे हिसाब से आप तैयार हो गए होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो परिभाषा लिखनी है आपको, तो परिभाषा याद करनी है आपको। ये ऊपर लिख लें आप, टॉपिक 1 यानी यूनिट 1 है ये, प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये आप सिंपल लिख लें, यूनिट 1 जो आपके सिलेबस की पहली यूनिट है, और दूसरी यूनिट है रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये मेरे हिसाब से। टॉपिक 1 और टॉपिक 2 यानी यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 दोनों लिख लें आप। दो यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक नंबर पर लिख दें आप क्वेश्चन नंबर 1, वो परिभाषा लिखनी है आपको, परिभाषा याद करनी है तो लिख दीजिए आप परिभाषा। उसका ए पार्ट है रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट की परिभाषा याद होनी चाहिए आपको। फिर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है। वेट कंप्रेशन क्या होता है, ड्राई कंप्रेशन क्या होता है, सुपर हीटेड कंप्रेशन क्या होता है, तीनों को TH और PH डायग्राम तीनों के आपको बना के इनको ड्रॉ करना आना चाहिए, और इनकी परिभाषा भी आपको लिख लेनी चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट नोट के ऊपर है मेरा, राइट शॉर्ट नोट ऑन। इसमें आपको रेफ्रिजरेशन मेथड्स का एक शॉर्ट नोट बना लेना है, रिवर्स कार्नोट साइकिल को ड्रॉ करके और इसका शॉर्ट नोट बनाना है आपको, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है, उसको उसके फ़ायदे नुकसान और एप्लीकेशन क्या क्या हैं, वो आपको एक शॉर्ट नोट में बना लेना चाहिए। इसी का दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो है, सी पार्ट, वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पूरे रेफ्रिजरेशन के हिसाब से, MCQ के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूरा अच्छी तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ कर लें, इसकी थ्योरी याद कर लें, इसका PH और TH डायग्राम बना सके तो बना लें आप तीनों स्थिति में, इसका सब कूलिंग सुपर हीटिंग दोनों को आप समझ लें इसमें। तो ये पूरा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूरा चैप्टर आप इस तरह ध्यान कर लें। इसी का डी पार्ट है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जिसमें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में ब्रीफ में सिंपल साइकिल आपको ड्रॉ करनी है, फिर आपको वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन की तुलना करनी है, तुलना का एक टेबल बना लें आप। इसी में ई पार्ट जो लिखेंगे आप, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस रेफ्रिजरेटर, उसका डायग्राम बना के आप उसकी थ्योरी पूरी याद कर लें। और इसी के पश्चात आप जो एफ पार्ट है वो है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग COP। चार मेथड दिए हुए हैं, चारों मेथड के नाम लिखे, कोई एक मेथड आप इस तरह से याद कर लें, एग्ज़ाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आप इस मेथड्स को लिख सकें और एक मेथड को कम से कम डिस्क्राइब कर सकें। आप चारों मेथड भी याद कर लें तो कोई एतराज़ नहीं है, अच्छा रहेगा आपके लिए, आप अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 3 जो हमारी है, टॉपिक यूनिट 3 ME 301 की, वो रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड है, पूरा थ्योरी पोर्शन है। इसमें आप क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट का क्वेश्चन और शॉर्ट नोट तैयार कर लें। फिर केमिकल फार्मूला आपको लिखना है नंबर से, और केमिकल फार्मूले से नंबर लिखना है आपको, वो जो फार्मूला है, सूत्र है R11 का सूत्र, कैसे आप केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, R22 का कैसे लिखेंगे, R12 का कैसे लिखेंगे, और इनको केमिकल फार्मूला है तो नंबर नंबर है तो केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये आप इस तरह से याद कर लें। अगला टॉपिक है यूनिट 4 जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट से रिलेटेड है, और इसमें कंपोनेंट्स सारे के सारे आपको, आपने थर्मल में पढ़े हुए हैं वही कंपोनेंट को आपको एक बार इसमें समझ लेना है,
और ये मेरे हिसाब से इजी है क्योंकि आपने थर्मल में भी ये बार बार पढ़े हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के कंप्रेसर्स को आपको नोट्स बना लेने हैं, उनकी थ्योरी बना लेनी है, कंडेंसर की, एक्सपांसन वाल्व की और इवेपोरेटर्स की थ्योरी जो है पूरी की पूरी, क्लासिफिकेशन और इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन जो है कंपोनेंट का, वही आप इस तरह याद कर लें। इसमें चारों ही इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा। जनरली क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं हम और कोई एक का, कंप्रेसर ये, कंडेंसर ये, एक्सपांसन डिवाइस ये, इवेपोरेटर का हम सचित्र वर्णन पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। चार के चार यूनिट, तो ये यूनिट वन में मैंने शुरू की 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। और इसी के साथ आप वेपर कंप्रेशन का जो न्यूमेरिकल मैंने अपने लेक्चर में बताया, वेट कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन जो न्यूमेरिकल है वो भी आप तैयार कर लें। इसमें सिंपल न्यूमेरिकल कार्नोट साइकिल का है, COP निकालने का है, वो भी आप न्यूमेरिकल देख लें आप, कि आपको 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं कार्नोट साइकिल का, जो COP होती है उसके 2 टेम्परेचर अगर दिए हुए हैं तो आप रेफ्रिजरेटर की COP कैसे निकालेंगे, हीट पंप की कैसे निकालेंगे और इंजन की COP कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली बार बार आता है। तो इस तरह से आप ये आधा जो मैंने सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, और आधी जो सिलेबस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा। थैंक यू।